हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं। WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड काफ़ी शानदार होने की उम्मीद है। बता दें, स्मैकडाउन के इस एपिसोड के लिए पहले ही 2 बड़े मैचों का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज भी ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड के दौरान मौजूद रहेंगे। यहाँ रेसलमेनिया 39 से पहले स्मैकडाउन का दूसरा आखिरी एपिसोड होने जा रहा है। यही कारण है कि ये बात तो पक्की है कि इस शो के दौरान रेसलमेनिया को ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड किया जाएगा। इस वजह से ब्लू ब्रांड में कुछ सरप्राइज भी देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती। नंबर पाँच डब्ल्यू डब्ल्यू स्मैकडाउन में विमेंस रेसलमेनिया शोकेस मैच में शामिल बाकी 3 टीम के नाम सामने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, WWE शोज ऑफ शोज के लिए मेंस एंड विमेंस रेसलमेनिया शोकेस फैटल 4-वे टैग टीम मैचों का ऐलान कर चुकी है। बता दें, मेंस फैटल 4-वे टैग टीम मैच के लिए सभी 4 टीमों के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं विमेंस फाइटल 4-वे टैग टीम मैच में अभी तक लिव मॉर्गन एंड रॉकेट रॉड्रिग्रेज जगह बना पाई हैं। देखा जाए तो रेसलमेनिया 39 के आयोजन में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। यही कारण है कि WWE इस हफ्ते स्मैकडाउन में विमेंस रेसलमेनिया शोकेस फाइटल 4-वे टैग टीम मैच के लिए बाकी 3 टीमों का ऐलान कर सकती है ताकि इस मैच को बिल्ड करने का पर्याप्त समय मिल सके। यह देखना रोचक होगा कि इस मैच में बाकी कौन सी 3 टीमें जगह बनाने में कामयाब रहेंगी। नंबर 4, सॉलिड फ्लेयर का मैच हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड फ्लेयर को रेसलमेनिया 39 में रिया रिपली के खिलाफ मैच में अपना स्मैकडाउन विमेंस टाइटल डिफेंड करना है। सॉलिड फ्लेयर पिछले कुछ समय से रिया रिपली के साथ अपने इस मैच को बिल्ड करने में व्यस्त हैं। यही कारण है कि सॉलिड फ्लेयर का WWE TV पर मैच हुए काफ़ी समय बीत चुका है। बता दें, सॉलिड फ्लेयर ने अपना आखिरी मैच 10 मार्च को हुए स्मैकडाउन के एक एपिसोड में लड़ा था। इस मैच में उन्होंने सॉर्जी को हराया था। चूंकि सॉर्लेट को स्मैकडाउन में मैच लड़े हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, यही कारण है कि WWE इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में उनका मैच करा सकती है। नंबर 3, ड्रू मैकइंटायर और सैम्स द्वारा गुंथर पर जबरदस्त हमला हो सकता है। WWE स्मैकडाउन में पिछले हफ्ते ड्रू मैकइंटायर वर्सेज सैम्स के दौरान इंपीरियम ने दखल देकर इन दोनों सुपरस्टार्स पर हमला किया था। वहीं अंत में ICC चैंपियन गुंथर ने सैम्स को ड्रू मैकइंटायर पर पावर बॉम्ब दे दिया था। इसके बाद रेसलमेनिया 39 के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गुंथर वर्सेस सैम्स के ICC चैंपियनशिप मैच का ऐलान कर दिया गया था। ड्रू मैकइंटायर और सैम्स उन पर हुए अटैक का इस हफ्ते स्मैकडाउन में बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि ये दोनों ब्लू ब्रांड में गुंथर पर जबरदस्त हमला कर सकते हैं। चूंकि ड्रू मैकइंटायर और सैम्स मौजूदा समय में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं, यही कारण है कि संभव है कि गुंथर को धराशायी करने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। नंबर 2, WWE स्मैकडाउन में डोमिनिक की वजह से रे मिस्टूरियो की हार हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन में पिछले हफ्ते रे मिस्टूरियो और एले नाइट के बीच हुए झड़प के बाद इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में इन दोनों सुपरस्टार के बीच सिंगल्स मैच बुक कर दिया गया है। बता दें, ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड के पूरी मिस्टूरियो फैमिली नज़र आने वाली है। देखा जाए तो डोमिनिक मिस्टूरियो इस मौके को शायद ही हाथ से जाने देना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक मैच में दखल देकर एले नाइट को रे मिस्टूरियो को हराने में मदद कर सकते हैं। यही नहीं, डोमिनिक मैच के बाद अपने परिवार के सामने रे मिस्टूरियो की बेइज्जती करने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि रे मिस्टूरियो आखिरकार डोमिनिक पर हमला करने का फैसला करेंगे या इस बार भी वो अपने गुस्से पर काबू कर लेंगे। नंबर 1, WWE स्मैकडाउन में मैच के बाद कोडी रोड्स पर रोमन रेंज द्वारा हमला हो सकता है। WWE स्मैकडाउन में इस हफ्ते कोडी रोड्स को इंपीरियम के लुडविग काइजर के खिलाफ सिंगल्स मैच लड़ना है। कोडी रोड्स को WWE में वापसी के बाद कोई भी हरा नहीं पाया है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स को इस मैच में लुडविग काइजर को हराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। याद दिला दें, रॉ के आखिरी एपिसोड में कोडी रोड्स ने रोमन रेंज से टाइटल जीतने और द ब्लडलाइन के टूटने की बात कही थी। यही नहीं, उन्होंने सोलो सिकोआ पर हमला भी किया था। उस वक्त रोमन ने सोलो को रोक लिया था, लेकिन स्मैकडाउन ट्राइबल चीफ का गढ़ है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते मैच के बाद रोमन रेंज द्वारा कोडी रोड्स पर जबरदस्त हमला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।